मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। विजय ज्वेलर्स से 7 किलो सोना चोरी के मामले में 3 आरोपी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए, मगर अन्य आरोपी नेपाल भागने में कामयाब रहे। चोरी का मास्टरमाइंड ज्वेलर्स दुकान में सुरक्षा रक्षक के तौर पर था, जो 1 महीने से रेकी कर रहा था। यह पूरा मामला थाने के उल्लासनगर का है। उल्लासनगर में ज्वेलर्स की दुकान में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हुए 3.2 करोड़ रुपए के 6 किलोग्राम आभूषण चुराने के अंतर्राज्यीय गिरोह को थाने संपत्ति अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में 55 तोला सोना जब्त किया गया है और 550 ग्राम सोना बरामद किया गया है। 26 जून की रात से 27 जून को उल्लासनगर के विजय लक्ष्मी ज्वेलर्स में सीसीटीवी के माध्यम से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की संपत्ति शाखा टीम ने तकनीकी जानकारी आधार पर उक्त आरोपी के संबंध में समांतर जांच की और बड़ी कुशलता से ये जांच आगे बढ़ी। सागर चंद्र रावल, दीपक राम सिंह भंडारी सर्वा रा नेपाल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने उक्त अपराध भी स्वीकार कर लिया है तथा 33 लाख रुपए के सोने के आभूषण बाकी आरोपियों से 550 की तलाश जारी है और उक्त अपराध की आगे की जांच क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी इस तरह के अपराध करने के लिए जाने जाते हैं। थाने पुलिस आयुक्तालय में उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के हद्दी में 26 जून को एक घरपोड़ी हुई थी, उसमें लगभग 6 किलो सोना उसमें चोरी हुआ था और इसका जो तपास था वो स्थानीय पुलिस स्टेशन भी कर रहा था, क्राइम ब्रांच भी कर रहा था। इसमें हमारे जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उसमें हमने लगभग 5 टीम तैयार की थी। इसका सुपरविजन ACP डिटेक्शन 1 सोनोने साहब और ACP डिटेक्शन 2 डोंगरे साहब भी कर रहे थे और इसमें लगभग 5 टीम काम कर रही थी। उसमें से प्रॉपर्टी सील की जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रावराणी साहब है, उनके EPA जाधव है, कांस्टेबल भुरके है और उनकी पूरी टीम ने उसमें काम किया और उसमें टेक्निकल एनालिसिस और जो कुछ CCTV फुटेज था उसके तहत जो हमने लगभग दो महीने से तपास चल रहा था उसमें ब्रेक मिला उनको। और यहाँ पे लगभग तपास जो चल रहा था वो लखनऊ बनारस नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे कुछ गांवों में हमने तपास किया और उसमें टेक्निकल तपास के थ्रू हमें ऐसा पाया गया कि 3 आरोपी हमारे यहाँ पे वो प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमने अरेस्ट किए। इसमें 3 आरोपी है, माधव गिरी, दिनेश रावल और दीपक भंडारी करके तीन आरोपी हमने अरेस्ट किए। ये तीनों नेपाल के रहने वाले है और जो हमने अरेस्ट किए उनके पास से लगभग 550 ग्राम तोला इसमें हस्तगत हुआ है, लगभग 33 लाख का सोना हस्तगत हुआ है। और इसमें ऐसा भी पाया गया है कि इन्होंने पहले कामोटे पुलिस स्टेशन में भी सेम ऑपरेंडी मॉडल्स ऑपरेंडी के तहत उन्होंने एक ज्वेलरी शॉप में घरपोड़ी की है। और इसमें जो दीपक दिनेश रावल करके जो आरोपी है उसके ऊपर पहले भी गुने, एक वापी पुलिस स्टेशन गुजरात में, उलाल पुलिस स्टेशन मंगलुरु में, एक कामोटी पुलिस स्टेशन पनवेल और माधवनगर पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश में 4 गुने ऑलरेडी उसके ऊपर दाखिल है। तो इसमें टोटल लगभग 10 आरोपी निष्पन्न हुए हैं, 3 अभी तक अरेस्ट हुए हैं, बाकी 7 लोग हमें अभी और अरेस्ट करने बाकी है, तपास चालू है और बाकी का भी सोना जो है उसमें रिकवर होने वाला है। ये आरोपी जैसे ही अरेस्ट होते हैं उनके पास से हम रिकवर करने वाले हैं। तो एक बहुत ही अच्छा डिटेक्शन हमारे प्रॉपर्टी सेल क्राइम ब्रांच ने किया है और इसमें आगे जाके भी जो आरोपी हम अरेस्ट करने वाले हैं उसके पास से ये बाकी का सोना भी उसमें बरामद हो। सर, 3.25 करोड़ के लगभग जो चोरी हुआ उसमें से कितना अब तक रिकवर हो चुका है और आने वाले समय में कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार होंगे और क्या ग्रुप हो सकता है और क्या उनका ऑपरेटिव हो सकता है? इसमें लगभग 6 किलो सोना चोरी हुआ था और उसमें लगभग हमने 550 ग्राम उसमें हमने बरामद किया है, मतलब 55 तोला। और इसमें अभी आगे जाके जो टोटल 10 लोग है उसमें से 3 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, लगभग 7 आरोपी अरेस्ट होने बाकी है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, दुकान के अंदर जो CCTV दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से ये जो गुना है उसमें मोडस ऑपरेंडी ऐसी पाई गई कि इन्होंने वहाँ पे वॉचमैन करके काम कर रहे थे ज्वेलरी शॉप में और वहाँ पे उन्होंने पूरा दुकान बंद कब होता है, ऑफ कब होता है, वीकली ऑफ, और वहाँ पे कितने CCTV फुटेज है,
और ये पूरा रेकी करके, पूरा ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने, जब दुकान बंद दूसरे दिन होने वाला था, वो पहले रात में उन्होंने किया ताकि उनको पता न चले मालिक को, और वो लेट पुलिस को अप्रोच हो। एक दिन लेट पुलिस के पुलिस स्टेशन में आए, उसके बाद गुना दाखिल हुआ। तब तक ये लोग महाराष्ट्र से लगभग यूपी दिल्ली यहाँ पे बाहर निकल गए थे। फिर भी डिफिकल्ट इन्वेस्टिगेशन था, फिर भी जो प्रॉपर्टी सेल और उनकी टीम ने जो पूरा काम किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें आरोपी अरेस्ट किया और रिकवरी की है। आगे जाके भी उसमें आरोपी अरेस्ट हो जाए। ज्वेलर्स की दुकान में बड़े बड़े सिलेंडर लेके गए, ये बहुत दिन से उनकी प्लानिंग चल रही थी। जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें से कुछ आरोपी, उन्होंने जो सिलेंडर था वो पहले परचेस किया, फिर उधर वो ऊपर ही रहते थे वहाँ पे उन्होंने डंप किया, और वहाँ पे बाद में उन्होंने वो, जब घरपोड़े एक्चुअली जिस दिन हुए वहाँ पे उन्होंने कटर यूज़ करके वहाँ पे कट करके वहाँ से ज्वेलरी का जो शॉप है उसमें थेफ्ट की है। तो बहुत दिनों से प्लानिंग करके इन्होंने ये किया। सर अनेक राज्य जाके उसमें पनिशमेंट होना ही है। तो ये जो बाहर से आते हैं ऐसा नहीं है, कहाँ के भी हो सकते हैं, ये पर्टिकुलर मेंटेलिटी रहती है कम दिनों में ज़्यादा पैसा मिलना। ये यहाँ के भी लोग हो सकते हैं, बाहर के भी लोग हो सकते हैं। तो सब ने जो कुछ है यहाँ पे जो काम मिलता है वो काम के माध्यम से पैसा मिलना, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई चोरी करके और कुछ शॉर्टकट करके कोई ये पैसा मिलता है वो मिलना ही नहीं है आपको। तो मेरा सोच ऐसा है कि इसमें प्रॉपरली हम काम करके जो पैसा कमाते वही हमें हमारे इसके लिए काफ़ी है। तो इसमें हम कोई भी बाहर के लोगों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलर मेंटेलिटी रहती है या ह्यूमन बीइंग की या आम आदमी की, कि शॉर्टकट में पैसा मिले तो हर एक के लिए वही लागू होता है। सर नेपाल में जाना, नेपाल से आरोपियों को पकड़ना कितना कठिन होता है? और आपके अधिकारियों और कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत करी, और बाकी आरोपी भी नेपाल में, उनको किस तरह से लाया जाएगा? हमने अभी तक कभी भी नहीं बोला कि हमने नेपाल से आरोपी अरेस्ट किए है। जो आरोपी अरेस्ट किए ये यहाँ से ही अरेस्ट किए गए हैं, और जो कुछ आरोपी कहाँ से भी हो हम उनका जो है लोकेशन लेके हमने प्रॉपर अरेस्ट करना है। और आगे जाके भी जो 7 आरोपी है वो कहाँ पे है पता नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगा उसके हिसाब से हम वहाँ से अरेस्ट करें। कितने दिन की इनको पुलिस कस्टडी में? निश्चित रूप से मैं जो ज्वेलरी शॉप है उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, ज्वेलरी शॉप हो या कोई भी शॉप हो या सोसाइटीज हो, जो कोई बंदा हम वॉचमैन करके रख रहे हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है। क्योंकि अभी जो मॉडस ऑपरेंडी चल रही है ऐसे है कि वो वॉचमैन करके रहते हैं, वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे कौन से घर में कौन एब्सेंट है, कौन छुट्टी पे जाता है। ज्वेलरी शॉप में भी ऐसा ही रेकी करते हैं और वहाँ पे ये करते हैं, चोरी करते हैं। तो हर एक जन ने जो सोसाइटीज है, हाउसिंग सोसाइटीज, ज्वेलरी शॉप पर्टिकुलरली, सब ज्वेलरी शॉप के ओनर को मेरा इसमें एक मैसेज है कि आप लोग जो भी वॉचमैन रख रहे हो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना इम्पोर्टेंट है। उसको थोड़ा सा आपको परिश्रम लेना पड़ेगा, लेकिन ये